नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ इमराना हिंदुस्तानी। आपको बता दें कि आज जलालाबाद में दवाइयों का एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें जलालाबाद वासियों को फ्री दवाइयां व फ्री चेकअप किया गया। जलालाबाद से आए सैकड़ों युवक युवतियों ने फ्री मेडिकल कैंप में फ्री दवाइयां फ्री चेकअप का लाभ लिया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन हाजी याकूब राइन ने कहा कि हम जलालाबाद वासियों को हर तरह की संभव मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप हमने लोगों की मदद के लिए ही लगवाया है व गरीब लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे, इसलिए हम लोगों ने फ्री मेडिकल कैंप लगवाया है ताकि गरीब लोग भी अपना अपना इलाज फ्री में करा सके। एक सवाल पूछने पर कि कैंप चुनावी स्टंट तो नहीं, तो उन्होंने बताया कि हम हर हफ्ते जलालाबाद वासियों को एक फ्री मेडिकल कैंप लगा कर देंगे और आगे भी यह कार्य करते रहेंगे। हम हर समय जलालाबाद वासियों के लिए कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं व हर संभव मदद करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों की तादाद में युवक व युवतियों ने अपना फ्री में मेडिकल चेकअप व फ्री दवाइयां ली। लोगों से पूछे जाने पर कि क्या यहां पर दवाइयां फ्री में मिल रही है, कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा, तो सभी ने बताया कि यहाँ पर फ्री में चेकअप हो रहे हैं, सभी तरह के और सभी तरह की दवाइयाँ बिल्कुल फ्री में मिल रही है। मेडिकल कैंप में सैकड़ों की तादाद में युवक युवतियों ने जलालाबाद वासियों ने इसका लाभ उठाया। मेडिकल कैंप में पूर्व चेयरमैन हाजी याकूब राइन, नफीस अहमद पूर्व नामित सभासद, इदरीस कुरेशी, यूनुस कुरेशी, जहीर धोबी सभासद, जॉली एडवोकेट, पप्पू पंडित, इस्लामुद्दीन इकबाल, आदि अंसारी, इब्रार आदि सम्मिलित रहे। वहीं डॉक्टरों की टीम में सुंदर, अनुज, प्रदुम, अमित, सौरभ, पुलकित कुमार, पिंकी आदि दिल्ली, देहरादून, नजीबाबाद से शामिल होकर जलालाबाद वासियों को फ्री मेडिकल कैंप का लाभ दिया व फ्री चेकअप व दवाइयां वितरित की। देखिए बिजनौर एक्सप्रेस के साथ संवाददाता नसीम अहमद व शाकिब जैदी की रिपोर्ट। तो आप कहाँ पर आए हो आज? तो आप, आपकी जांच हो गई? ये पैसे लिए या फ्री में हुई है? फ्री में हुई है। अच्छा, फ्री में हुई है। आपको पता है दवाई भी फ्री में मिलेगी? पता है आपको? पता है। चलिए धन्यवाद। यहाँ क्यों आए हो आप? किस लिए आई हो? किस लिए आई हो यहाँ पर? दवाई लेने। दवाई तो पैसों की मिल रही है, फ्री मिल रही है? फ्री मिल रही है। जांच भी फ्री हो रही है। सकीना, अच्छा यहाँ क्यों आई हो आप दवाई लेने? तो आपको पता है फ्री दवाई मिलेगी? क्या ऐलान हुआ था? क्या ऐलान हुआ था? फ्री, अच्छा फ्री का ऐलान कराया था, ठीक है। मिथिलेश, आप कहाँ पर आई हैं, किस लिए आई हैं यहाँ पर? दवाई लेने आए। दवाई लेने के लिए? तो आपको कैसे पता चला कि दवाई मिल रही है यहाँ पर? हमको ये पता चला कि तो ये पता चला फ्री दवाई है या पैसे लगेंगे? फ्री दवाई। अच्छा फ्री दवाई चल रही है। किसके यहाँ पर है ये? चेयरमैन के साथ। चेयरमैन साहब के, याकूब साहब के पास? अच्छा ठीक है। मेरा नाम जॉली। जी सर, जो कैंप चल रहा है इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये जो कैंप चल रहा है एक बहुत अच्छी पहल है हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर लोगों ने इन पर यकीन किया और इन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताया, तो ये आने वाले 5 साल जो है उनमें भी ये कैंप लगवाते रहेंगे और गरीब जनता जो है वो इसका फ़ायदा लेती रहेगी। और ये कैंप नहीं, और भी जो मतलब गरीब जनता और जो भी मतलब मुस्तहिक हैं उनके भी ये काम हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद। दूसरे सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहबुद्दीन। जो आपने कैंप लगा रखा है फ्री, थोड़ा इसके बारे में ये हमारे पूर्व चेयरमैन हाजी याकूब राइन के सोचने से लगा है। हमारी मिल रही है उसको देखते हुए सामने सामने निर्णय लिया कि मैं जलालाबाद के आवाम के लिए कुछ करके दिखाऊँ, कुछ मैं भी अपनी साइड से कुछ बेहतर करूँ। तो उन्होंने निर्णय लिया कि दिल्ली और देहरादून की जो शिवगंगा हॉस्पिटल है उसकी टीम को बुलाकर उन्होंने यहाँ इस कैंप का आयोजन किया। बहुत शानदार कैंप चल रहा है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें शुगर, प्लेट्स, ऑक्सीजन और दिल वगैरह की जांच मुफ्त की जा रही है, और साथ में साथ दवाई भी बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। इंशाल्लाह आप रिसेंट लाइव दिखाएं, बहुत बढ़िया कैंप चल रहा है। तो यहाँ पर लगभग कितने लोग
अभी तक दवाई ले चुके हैं और कितने आने की संभावना है? अब तक मेरे साथ समथिंग 500 के लगभग मरीज देख चुके हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह 1500 तक हम टारगेट छू लेंगे। तो डॉक्टर कहाँ कहाँ गए हैं यहाँ पर? यहाँ देहरादून और दिल्ली के MD डॉक्टर मौजूद हैं। यहाँ लोकल से भी कोई डॉक्टर आए हुए हैं? हाँ, लोकल से भी हमारे डॉक्टर सौरभ शर्मा साहब यहाँ मौजूद हैं, बाकी दिल्ली और देहरादून से हैं। धन्यवाद। ये कैंप चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी एक चुनावी माहौल चल रहा था और जब हम लोगों से वोट के लिए सिफारिश करने गए तो ज़्यादातर ये देखा कि बीमारियाँ काफ़ी हद तक यहाँ बढ़ी हुई हैं, लोगों से अपने इलाज के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो मेरा बेटे शाहबुद्दीन मेरे बराबर बैठे हैं, भतीजे हैं मेरे से, इनका मेरा मशवरा हुआ कि भी एक कैंप लगाया जाए, जिससे पर पूरे तो हम लोगों का इलाज नहीं करा सकते, लेकिन जितना भी हम छोड़ सकें उनकी मदद की जाए, उनने ये कैंप लगाया है। आजकल देखा जा रहा है चुनावी सीजन चल रहा है तो सभी कोई ना कोई कोई कैंप लगा रहा है, कोई एम्बुलेंस दे रहा है, तो ये आज ही रहेगा या आगे भी रहेगा इस तरह के कैंप वगैरह? ये अगर हमारा रिजल्ट सही आया और दवाई से लोगों को राहत पहुंचती नज़र आई, क्योंकि हम बीच में रहते हैं जनता के, उन्होंने बताया कि हम लोगों का आपके डॉक्टर से आपकी दवाई से हमारा आराम हो रहा है, तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते फिर कोशिश की जाएगी, फिर लगवा। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? तो आप कहाँ से हो सर? अच्छा, जो आज ये कैंप चल रहा है ये जलालाबाद में चेयरमैन साहब के यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहना आपको? करना चाहते हैं, जो इस समय डेंगू का और बहुत सारी जो चीज़ें चल रही हैं, वो चाहते थे कि इसके लिए एक कैंप का आयोजन किया जाए, जिससे लोगों के लिए एक जागरूकता का भी काम होगा और उनकी तरफ से और दवाइयों का जांचों का सभी यहाँ पे निःशुल्क रखी गई हैं चीज़ें, जिससे उनकी जो क्षेत्र की जनता है वो स्वस्थ रह सके। तो समय समय पर ऐसे कार्य अपनी जनता के लिए करते रहते हैं। लगभग कितने पेशेंट यहाँ पर आ चुके हैं अभी तक और कितना आने की संभावना है? लेकिन लगभग अभी तक जो एक है कि लगभग 400 से 500 मरीज अभी तक आके जा चुके हैं, एक जो संभावना बताई जा रही है कि वो 800 से 1000 के आस में लगभग यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टेस्ट वगैरह है उसकी कुछ फीस रखी है या फ्री है सर? यहाँ पर पूरा निःशुल्क चल रहा है, जिसमें हीमोग्लोबिन की जाँच है, खून के इन्फेक्शन की जाँच है, शुगर की जाँच है, ऑक्सीजन की जाँच है और दिल की धड़कन की जाँच है, ये सभी जाँचों का जो है वो निःशुल्क रखा गया है। दवाई वगैरह का कुछ शुल्क? दवाइयों का भी कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।